चाय पर चर्चा में आज हम सबसे पहले कैप्टन कूल का बर्थडे मना लेते हैं, तो जो शगुफ्ता हर बार गाना गाती है जरा गा दीजिए। माही विनायक माही माही यही है, माही वे आपका मतलब है, वे माही वे ये गाना भूल रही है। तो चलिए आज महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है, बर्थडे माही का हो और फैंस उत्साहित ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर तरफ रौनक नजर आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम सब भी उनको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं साथ में। आज देखिए माही अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन फैंस से लेकर उनके साथी खिलाड़ी उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। धोनी के लिए लोगों की दीवानगी जाहिर है, ऐसे में फैंस अलग अलग जगह पर उनका बर्थडे अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी बस नाम ही काफी है। करोड़ों दिलों की धड़कन है धोनी, हर जगह हिट हर जगह फिट। वो दोस्त भी हैं, लीडर भी, वो अनुभवी भी हैं और कामयाब भी। जिसकी चाल का विरोधी के पास कोई तोड़ नहीं, मैच फिनिश करने की जिसकी अदा पर दुनिया फिदा है, तभी तो फैंस कहते हैं धोनी है तो मुमकिन है। आज माही अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके प्रशंसक भी अलग अलग जगहों पर उनका जन्मदिन अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर रांची तक धोनी का जश्न है, क्योंकि आज माही का हैप्पी बर्थडे है। आंध्र प्रदेश में सड़क किनारे धोनी का 77 फीट लंबा कटआउट लगाया गया है, जबकि तेलंगाना के हैदराबाद में 52 फीट लंबा कटआउट माही मैजिक को दिखा रहा है। काफी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। सर हम लिख के देंगे, आपको छोड़ के कोई भी नहीं आएगा। सर आपसे बड़ा कोई भी नहीं है क्रिकेट में, तो हमारे भगवान तो आप ही छे। आप जो ये वीडियो जो लगाए ना अभी, ये उतना तो सीन किसको भी नहीं है सर। ये आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं आएगा सर अभी तक। तो हम दोमलगुड़ा में से आए, अभी धोनी का बर्थडे है, पूरा फुल हैप्पी आज। अभी फुल नाइट पूरा सेलिब्रेशन चलता, इनसे बड़े प्लेयर नहीं आ सकते। अब इससे बोल तो विराट कोहली चल रहा, अभी विराट कोहली बाद भी क्रिकेट देखने का ये नहीं रहता। कल धोनी विराट कोहली दोनों रहना बस क्रिकेट में, दूसरा कोई भी नहीं है। माही का जन्मदिन हो और उनके शहर रांची में जश्न ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रांची में धोनी के फैंस उनके घर के बाहर पहुंचे, हाथों में माही का स्केच लिए फैंस अपने कैप्टन कूल को विश करने पहुंचे थे। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन माही के फैंस आज भी उनकी झलक के दीवाने हैं। धोनी एक शानदार कप्तान और खिलाड़ी होने के साथ साथ काफी अच्छे दोस्त भी हैं। धोनी के सबसे खास दोस्तों में टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर सुरेश रैना का नाम भी लिया जाता है। रैना ने अब धोनी के 42वें जन्मदिन पर उन्हें खास अंदाज में विश किया है। रैना ने लिखा, मेरे बड़े भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पिच साझा करने से लेकर अपने सपने साझा करने तक हमने जो बंधन बनाया है वो अटूट है। एक लीडर और दोस्त दोनों के रूप में आपकी ताकत मेरी मार्गदर्शक रही है। आने वाला साल आपके लिए खुशी, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। चमकते रहो, नेतृत्व करते रहो और अपना जादू फैलाते रहो। इस मैसेज के साथ साथ रैना ने माही के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। हरभजन सिंह ने भी माही को बर्थडे विश किया। हरभजन ने ट्विटर पर लिखा, हैप्पी बर्थडे बाहुबली, आप लोगों को ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें। चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी धोनी को बर्थडे विश किया। ऋषभ ने इंस्टाग्राम पर केक काटते हुए फोटो पोस्ट किए और कैप्शन लिखा, हैप्पी बर्थडे माही। युवराज सिंह ने भी माही को बर्थडे विश किया है। उन्होंने धोनी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है, फील्ड पर हमारी कुछ शानदार यादें हैं, हैप्पी बर्थडे। माही का दीवाना हर कोई है, प्रशंसक अक्सर उनके पैर छूते दिख जाते हैं। माही तो बस माही है, उनके जैसा कोई नहीं। खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि 2004 में उनकी जीरो से हुई शुरुआत उन्हें साल 2023 तक आते आते हीरो तक पहुंचा देगी। माही आज कई युवाओं के रोल मॉडल हैं। माही पर अब भी करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकती हैं। बस वो अगले साल भी खेलते दिखें, उनके प्रशंसक तो यही चाहते हैं। इसी बर्थडे रिटर्न गिफ्ट की आस भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अलग अलग रूप हमने माही के देखे हैं, तो आप ही बताइए आपको माही का कौन सा अंदाज सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।
एक तो हेलीकॉप्टर शॉट और एक और चीज मैं कहूंगी कि आज जाके ट्विटर जरूर चेक कीजिए, लोगों ने जो क्रिएटिविटी की है ना, हैशटैग धोनी हैप्पी बर्थडे, वो देखने लायक है। श्वेता आपको? मुझे माही कई तरह से पसंद है, नो डाउट। हेलीकॉप्टर शॉट जो बताया, मुझे लगता है कि पूरा देश दीवाना है इस चीज का, लेकिन वो रांची से आते हैं और मेरा होम स्टेट तो हम चाहेंगे कि आप वो रांची वाले अंदाज में उनको विश कीजिए जरा। देखिए अलग से वो लैंग्वेज तो नहीं है वहां पर कुछ उस तरह का, लेकिन वो बहुत ही प्यार से वो बोलते हैं, अब माही भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। तो माही को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मुझे याद है एक बार मैं फ्लाइट से जा रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन जब हम उतरे तो साक्षी और माही दोनों उसी फ्लाइट में थे, तो काफी अच्छी हमारी बातचीत हो गई थी एंड दैट वाज मेमोरेबल। मतलब मुझे लगता है जो भी माही से मिलेगा उनकी सादगी से वो अछूता नहीं रह सकता। और मुझे तो उनका कैप्टन वाला अंदाज बहुत अच्छा लगता है, कूल कूल कैप्टन कूल वाला। अच्छा आप लोगों ने तो अभी आईपीएल का शो भी किया, देखिए फिर से उन्होंने पांचवीं बार जीत हासिल की चेन्नई सुपर किंग्स। बिल्कुल, और इसीलिए शायद दुनिया भर में उनके फैंस हैं और किस तरह से आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है वो भी काबिले तारीफ है। इतना प्यार माही को मिल रहा है, हम चाहेंगे कि ये प्यार बरकरार रहे। मुझे तो माही वो आमी वाली ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हैं और जो उनका जज्बा है, क्योंकि आपको याद होगा जब जिस दौरान वो पद्म अवार्ड लेने गए थे उस दौरान नजर आया था कि वो हैं तो एक क्रिकेटर भी हैं और आमी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी अंदाज में जैसे जाकर वो अपना अवार्ड स्वीकार किया था, पद्म अवार्ड स्वीकार किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं वो देशभक्ति नजर आती है। मेरे ख्याल से उन्होंने एक बार कहा भी था कि वो देश सेवा करना चाहते हैं, हालांकि क्रिकेटर के रूप में एक बार कर ही चुके हैं और दूसरी सेवा उनकी फौज के रूप में नजर भी आती है। और नॉर्थ में जितना उनको प्यार मिल रहा है साउथ में भी देखिए उससे ज्यादा। चेन्नई सुपर किंग्स में जब से वो कैप्टन हुए है उसके बाद वहां के लोगों का दिल जीत लिया है, तो इनफैक्ट पूरे देश का दिल जो है माही ने जीता हुआ है, पूरा देश। हैशटैग थला चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है, आप चेक कर सकते हैं। इस थलाइवा को देखिए हर कोई सल्यूट कर रहा है आज के दिन और पूरा देश माही को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा है। लोगों को टमाटर का भी इंतजार है कि बर्गर में कहीं मिल जाए, सस्ता हो जाए। अब आपको बताएंगे कि बर्गर से फिलहाल टमाटर गायब हो गया है, देश में 150 रुपए प्रति किलो के पार टमाटर के भाव पहुंच गए हैं। कहीं कहीं तो हालात ये है कि 300 रुपए 250 से 300 तक में बिक रहा है और इसका असर आम आदमी पर ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट्स पर भी पड़ा है। ऐसे में एक बड़ी फूड चेन ने अपने बर्गर से टमाटर को हटाने का फैसला किया है। कंपनी ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि अच्छी क्वालिटी के टमाटर न मिलने की वजह से प्रोडक्ट से टमाटर गायब कर दिए गए हैं या फिर हटा दिए गए हैं और टमाटर नहीं परोसे जाएंगे। और नोटिस के मुताबिक हमारे कुछ आउटलेट्स के प्रोडक्ट्स में टमाटर नहीं है, रीजनल इश्यूज की वजह से कुछ समय के लिए ऐसा किया गया है, मौसम में बदलाव के कारण क्वालिटी वाले टमाटर नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा आजकल तो ये हाल हो गया है वैसे कि आप अगर कोई भी इंस्टाग्राम खोलो या यूट्यूब कहीं भी खोलो तो बिना टमाटर की रेसिपीज बहुत ज्यादा आने। मैंने टमाटर सब्जी में डालना बंद कर दिया, अभी टमाटर के बिना सब्जी बनती है। अभी अभी आपने सैंडविच खाई, इसमें टमाटर है या नहीं? इसमें टमाटर जैसे दिखने वाली गाजर लाल रंग है, वो पील दिया गया है, रेड कलर का पील है। अगर आपको टमाटर को रिप्लेस करना हो किसी चीज से तो क्या सब्स्टिट्यूट होगा? अमचूर, टमाटर का रस डालने के लिए टमाटर, टोमेटो प्यूरी, क्योंकि टमाटर प्यूरी भी उसी रेट में बिक रही है। ओह अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे कोई और चीज रिप्लेस कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपको उसको टेस्ट के हिसाब से देखना है, क्योंकि टमाटर बेसिकली डाला है पहले ही कलर जिसका हम देगी मिर्च से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा अगर उसका फ्लेवर कलर के है तो फिर वो हल्का सा टैंगी टेस्ट के लिए यू कैन यूज केचप, फिर स्वीटनेस थोड़ा सा, फिर वो गुज्जू टेस्ट वाली सब्जी बन जाएगी। आप पंजाबियों लिए माड़ा जम चूर पा दी ज्यादा, अपन नींबू भी पा सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं ना, एक टमाटर लीजिए उसको ब्लेंड कीजिए उसमें पानी डालिए, मिलावट के साथ इस्तेमाल करना होगा। आप शगुफ्ता आगे बताइए भी दर्शकों को टमाटर के अलावा भी और क्या क्या खबर है। टमाटर के अलावा भी देश और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर लेते हैं, जिनका दिल्ली में दरबार चल रहा है। कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आज दिव्य दरबार लगाया जिसमें इतनी भीड़ आई कि पंडाल छोटा पड़ गया। अरे बाप रे, आपको बता दें कि देखिए दिल्ली ही नहीं आसपास के राज्यों से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। लोगों की भारी संख्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के भी भारी बंदोबस्त किए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ ही रैफ को भी तैनात किया गया है। खचाखच भरा है पंडाल, उमड़ा हुआ है जनसैलाब। ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज के उत्सव ग्राउंड की हैं,
मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने आज यहां अपना दिव्य और भव्य दरबार लगाया, जिसमें शामिल होने के लिए आज सुबह सुबह ही लोगों की अपार भीड़ जुट गई। दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का यह दूसरा और अहम दिन है, क्योंकि आज यहां लगा इनका दिव्य दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार इसलिए बेहद खास होता है क्योंकि इस दौरान वो भक्तों की पर्चियां देखते हैं और उनके दुख दर्द के निवारण और समस्याओं के समाधान के उपाय बताते हैं। दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का आलम यह है कि केवल दिल्ली ही नहीं आसपास के राज्यों से भी भारी संख्या में लोग यहां आए हैं और अपने अपने तरीके से अपनी श्रद्धा का इजहार कर रहे हैं। क्या लाए आप? बाबा के लिए लाए हैं? हाँ। क्या है इसमें? इसमें बाबा के कपड़े और बाबा के लिए सूट और तो यहाँ पे जो श्रद्धालु है ये बाबा के लिए सामान लेके आए हैं। अर्जी भी लगानी है आपने आज? लगा दी हमने। बाबा को बहुत पसंद करते हैं आप। धीरेन्द्र शास्त्री की झलक पाने को आतुर कई लोग उनके बारे में पूछे जाने पर भावुक हो जाते हैं। बाबा को हम तो दिल और जान से चाहते हैं, भगवान की तरह, और उनके लिए जान भी हाजिर है। बाबा एक बार कह दें बस। इतना क्यों पसंद करते हैं आप बाबा को? क्या अच्छा लगता है आपको बाबा में? कथा अच्छी लगती है? बाबा जैसे बोलते हैं वो बात अच्छी लगती है? बाबा हमारे बहुत अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं। बहुत पसंद करते हैं बाबा? उनकी ऐसा आज तक कोई देखा नहीं मैंने। मिले आप बाबा से कभी? पहली बार आप बाबा को देख रहे हैं? नहीं नहीं, देखा बहुत बार है, लेकिन बहुत चाहता हूँ। हर किसी के दिल में धीरेन्द्र शास्त्री के लिए अनूठी श्रद्धा है। उनके प्रति आस्था और विश्वास का गजब का भाव है। बहुत पसंद करते हैं, हम तो पहली बार आए भाई। पहली बार आए। कल बाबा को सुना था? नहीं सुना था, तो टीवी में देखते हैं, रोज टीवी में देखते हैं उनका। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भक्तों की पर्चियां देखने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार लगाया, तो पंडाल में तिल रखने तक की जगह नहीं बची। दिल्ली से कुछ भक्त आए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से आए हैं, कुछ बिहार से आए हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हैं, और अनुमान भी लगाया जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? बनारस से। बनारस से आए हैं? कब आए थे आप यहाँ पे? कहाँ रह रहे हैं आप? नेहरू नगर जैसे गांव वाले रहते हैं वहाँ तो रुके थे, फिर यहाँ आ जाए हैं। इतनी दूर से बाबा को सुनने आए हो, क्या अच्छा लगता है बाबा में? जरूर अच्छा लगता है, तभी तो आ रहे हैं। बहुत आस्था है बाबा में। इस पंडाल में 70,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है, लेकिन पंडाल देखते ही देखते पूरा भर गया। इसके कारण इस ग्राउंड के गेट बंद करने पड़े और बहुत से लोगों को मायूस होकर इंतजार करना पड़ा दर्शन के लिए बाहर खड़े बाबा के। बाबा लेकिन अंदर तो पूरा भर चुका है, कैसे बैठेंगे? दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम का कल आखिरी दिन है। शनिवार को छुट्टी का दिन होने के कारण यहां और भी ज्यादा तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि कल धीरेन्द्र शास्त्री यहां दिव्य दरबार तो नहीं लगाएंगे, लेकिन उनकी एक झलक पाने और हनुमंत कथा सुनने के लिए लोगों का आना जारी रहने के आसार हैं। लोगों की भारी संख्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के भी भारी बंदोबस्त किए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दी गई है। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवानों को भी सिक्योरिटी में तैनात किया गया है। दिल्ली से नामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ के अलग अलग रंग की धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों रौनक ही अलग दिखाई दे रही है। यहाँ आस्था के अलग अलग रंगों से सजे कांवड़ इस रौनक में मानो चार चांद लगा रहे हो। वहीं आस्था का ये मेला सभी को एक रंग एक रूप में डालने का काम कर रहा है। इस कांवड़ मेले में भोलेनाथ की भक्ति श्रद्धालुओं को विदेशों से भी खींच रही है। ये भोले के प्रिय महीने सावन का उत्साह है। आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, नागों की माला गले में तेरे, भोलेनाथ मेरे पिता शंभु मेरे। ये धर्म नगरी हरिद्वार की रौनक है। कोई यहाँ देश के कोने कोने से आया है तो कोई विदेश से। अब इन्हीं को ले लीजिए, ये धीरज हैं, जो कि सिंगापुर से भारत आए हैं कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए। धीरज वहाँ एक बड़े बैंक में बड़े पद पर कार्यरत हैं। वो अब छठी बार कांवड़ लेने के लिए भारत पहुँचे हैं।
मेरे अंदर भावना नहीं आई, ऊपर वाले का बुलावा आता है तो भावना अपने आप आ जाती है। मैं ये मेरी छठी कावड़ है, इससे पहले मैं 5 कावड़ ला चुका हूँ और 5वीं मेरी 2011 में थी, उसके बाद मैं सिंगापुर चला गया था, उसके बाद अब भगवान का बुलावा आया है। अब इनसे मिलिए, ये है संजू जो दिल्ली से हरिद्वार पहुँचे बिल्कुल अलग अंदाज में, एक खास लुक में, वो भी शिवलिंग के साथ। एक और खास बात ये है कि ये खुद को रावण का फैन बताते हैं, रावण भी भगवान शिव का बड़ा भक्त था। ये खास श्रद्धालु है, खास कैसे कि ये जल तो लेकर जा रहे हैं लेकिन साथ साथ भोलेनाथ को लेकर आए हैं, शिवलिंग लेकर आए हैं और शिवलिंग लेकर ही यहाँ से रवाना होंगे। अब मौसम से जुड़ी एक खबर की बात कर लेते हैं। मौसम बारिश का है, ऐसे में आसमानी बिजली गिरने से मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। बिजली गिरने से लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आसमानी बिजली से आपको दामिनी बचाएगी। दामिनी एक ऐसी मोबाइल ऐप है जो आपको खराब मौसम के दौरान बिजली गिरने की जानकारी के बारे में अलर्ट करेगी, और वो भी कोई लगभग 7 मिनट पहले। आसमान से बिजली गिरना प्राकृतिक घटना है, मगर ये जहाँ भी गिरती है उनमें से कई जगहों पर जानमाल और मवेशियों का एक बड़ा नुकसान भी करा देती है। हर साल 2500 लोगों की मौत बिजली गिरने से होती है। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दामिनी ऐप लॉन्च किया, जिसे अब और इनहेंस किया जा रहा है। अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री और मौसम विभाग का दामिनी लाइटनिंग अलर्ट ऐप, जिसे साल 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया और अब इसके फीचर्स में विस्तार किया जा रहा है। दामिनी ऐप जो है ये आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको मिलेगा पिछले 21 मिनट में आपका आसपास कितने जगह कितना बिजली गिरा है, और ये एक्सट्रापोलेशन से बताता है कि जैसे अगर आपका 20 किलोमीटर के अंदर आपका पिछले 7-8 मिनट में गिरा है तो आप रेड अलर्ट जोन में है। 20 मिनट मतलब 20 किलोमीटर के अंदर कहीं भी उसका लाइटनिंग हो सकता है। दामिनी लाइटनिंग ऐप 7 मिनट, 14 मिनट और 21 मिनट में बिजली गिरने की संभावना देते हुए लगभग 40 किलोमीटर तक के दायरे का मौसम बताता है। इस ऐप में कलर कोडिंग, अलर्ट सिस्टम, इसरो सैटेलाइट इंस्टॉलेशन और रेडार सेंसर से आसमानी बिजली गिरने का कुछ इस तरह से संकेत मिलता है। इसमें अगर आप देखते हैं कि आपका जो लाइटनिंग है बहादुर के गढ़ के आसपास आपका पिछले 7 मिनट में लाइटनिंग हुआ है, और हमारा ये जो न्यू दिल्ली है इस इलाके में आपका पिछले 21 मिनट में लाइटनिंग हुआ है नरेला वगैरह के आसपास। इसका मतलब है अगर आपका क्योंकि ये बहुत क्लोज है, हमारा बहादुरगढ़ भी बहुत पास है, आपका 20 किलोमीटर का जो जोन है उसमें हमारा मेरा मोबाइल अभी का जो मोबाइल है वो पड़ता है, तो इसीलिए मुझे रेड अलर्ट जोन में रखा गया है। नीचे आ रहा है मूव टू सेफ प्लेसेस, ये हमें इमीडिएटली प्रिकॉशन क्या लेना होता है वो बता रहा है। वैसे तो दामिनी लाइटनिंग ऐप हर किसी के लिए है, लेकिन खास तौर से ये एप्लीकेशन ग्रामीण आबादी के लिए ज्यादा कारगर है क्योंकि गांव देहात घरों की बनावट, मानसून में खेतों में जलभराव के साथ ही पेड़ों के नीचे नुकसान होने की भी संभावना ज्यादा होती है। फिलहाल तो इस ऐप को अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कई और भाषाओं में पेश किया जा रहा है। पहले ये सिर्फ अंग्रेजी में था, फिर हिंदी में हुआ, फिर धीरे धीरे भाषा बढ़ रहा है, बंगाली, संथाली, ये सारे भाषा आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, और गोरखा, नेपाली। आपको बता दें देश में दामिनी ऐप के 83 ग्राउंड स्टेशन हैं और आने वाले समय में इस एप्लीकेशन के साथ नए ग्राउंड स्टेशन सेंसर लगाए जाएंगे। ये 40 किलोमीटर एरिया में होने वाले आकाशीय बिजली के बारे में जानकारी देता है, वो 7 मिनट, 14 मिनट और 21 मिनट करके आपको अपडेट देता है, और अगर कहीं आकाशीय बिजली जैसी घटना होने वाली हो तो वो पहले ही आपको सचेत कर देता है कि आपको अब आगे क्या क्या स्टेप लेने हैं। विजय दलवीर के साथ नीतु शाह, गुड न्यूज शेयर दिल्ली। देखिए, जरूरी नहीं कि चाय सबकी पसंद हो, लेकिन चाय के साथ को कोई नकार भी नहीं सकता। मतलब सीधा है कि चाय जरूरी है, लेकिन चाय पर साथ होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये बात तो हम सब कहते ही है कि कॉफी हो या चाय, बातें हो या खबरें, मजा सबके साथ आता है। बिल्कुल, जैसे दोस्ती होना उतना मायने रखता नहीं, दोस्ती को जीवित रखना जरूरी है, तो इस साथ दोस्ती को कायम रखेगा। और इसी दोस्ती को निभाने के लिए हम आपके साथ आते हैं चाय पीने, तो सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे हमारी आपकी चाय साथ होती है। अभी फिलहाल दीजिए इजाजत, मंडे को मिलेंगे।